जो हमारे दोनों मुअज्जज सीनियर तरीन वकला जो कल ये पिटीशन जो है वो लेके आए हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो अपनी इनिंग जो है वो खेल चुके हैं, अब उनकी यानी फिजिकल और जो है वो मेंटल सेहत जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। वो दोनों साहबान जो हैं वो इमरान फितने को जो है वो मिले हैं लाहौर में। जो हमारे दोनों मुअज्जज सीनियर तरीन वकला जो कल ये पिटीशन जो है वो लेके आए हैं, यकीनन उन्होंने वकालत में सियासत में बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो अपनी इनिंग जो है वो खेल चुके हैं, अब उनकी जो है वो यानी फिजिकल और जो है वो मेंटल सेहत जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, और वो अब ऐसे काम और ऐसे मामलात कर रहे हैं कि वो अपना जनाजा ही ख़राब कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो दोनों साहबान जो हैं वो इमरान फितने को जो है वो मिले हैं लाहौर में। ये मुसद्दका तौर पे ये खबर है कि इस पटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं। काजी फैज ईसा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया, उसके बाद दोनों वकला साहबान ने उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि नहीं जी नहीं, आप बैठें, आप जरूर बैठें, आप की इसमें जो है वो राय आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला जो है ये इन एतराजात की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं सुनना चाहता। तो एकदम उनके मुंह से निकला कि चीफ जस्टिस साहब, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि फुल बेंच बना दें।